अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शलवार के मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। जो आज हम शलवार काटेंगे वो हम बगैर कली वाली शलवार काटेंगे, ठीक है। शलवार तो बहुत सी तरीके से बनती है, कली वाली भी बनती है, बगैर कली वाली भी बनती है, बगैर बेल्ट वाली भी बनती है, ट्यूलिप शलवार भी बनती है, पटियाला शलवार भी बनती है, बहुत सी किस्म की शलवारें बनती हैं, ठीक है। आज हम बगैर कली वाली शलवार बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से ना बिगनर भी बना सकते हैं, ठीक है, जो आजकल ट्रेंड में भी है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापते हैं। जो हमारी नाफ होती है ना, नाफ नाफ से तकरीबन 2 से 2.5 इंच हम नीचे रखते हैं इंच डिप को, ठीक है। जैसे कि नाफ हमारी ये रही, यहाँ से हम इसे तकरीबन 2 से 2.5 इंच नीचे रखेंगे, ठीक है। वैसे बहुत कुछ लोग होते हैं ऊपर भी बांधते हैं, ट्राउजर होती है, शलवार होती है, कुछ भी होता है, नॉर्मल जो बांधा जाता है यहीं पर बांधा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे नापेंगे। ये देखिए हमारी ट्राउजर की लंबाई आ रही है 36 इंच। ट्राउजर हमारा छोटा होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा होता है। जो शलवार होती है वो ऊंची नहीं होती, ठीक है। शलवार हमारी यहाँ तक आती है, तकरीबन 1 इंच लंबाई बढ़ जाएगी हमारी, 36 की जगह 37 इंच हो जाएगी, ठीक है। शलवार की लंबाई हमेशा थोड़ी सी बड़ी होती है ट्राउज़र से, ये हमारी लंबाई है, ठीक है। और जो इसका बेल्ट होता है, बेल्ट का नाप किस तरह लिया जाता है, इसे इस तरह घुमा लेंगे पीछे से, हिप्स वाली जगह से। ये तकरीबन 38 इंच आ रहा है हमारा, ठीक है। वन साइड 19 इंच होगा, ऑल राउंड 38 इंच है। तो इसमें हम एक साइड, वन साइड जो है ना, 3 से 4 इंच का जो है ना लूजिंग रखते हैं, ऑल राउंड 6 इंच, तकरीबन 7-8 इंच हम लूजिंग रखते हैं ऑल राउंड में। जैसे कि अब हमारा 38 आ रहा है ना, तो 38 की जगह हम इसे 7 इंच बढ़ा देंगे, तकरीबन 45 इंच हो जाएगा, ठीक है। 45 इंच हम इसका बेल्ट काटेंगे ऑल राउंड। बॉडी मेजरमेंट मैंने आपको लेना बता दिया। शलवार में ज़्यादा कुछ नहीं होता, लंबाई होती है और बेल्ट नापना होता है, ठीक है। और 5 हाथ तो अपने हिसाब से रखना होता है। ये हमारा 2.5 गज कपड़ा है शलवार का। ये देखें हमने डबल किया हुआ है कपड़े को, इस तरह डबल कर लेंगे कपड़े को, ठीक है। पूरे कपड़े को इसी तरह डबल करके हम सेट कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। यहां से बराबर होना चाहिए हमारा कपड़ा। मैंने पूरे कपड़े को प्रेस कर लिया, ठीक है, इस तरह डबल करके। देखें यहां से भी इसे इस तरह डबल कर लेंगे, इस तरह हम इसे बिछा लेंगे, ठीक है। अब यहां से हम इसे बराबर कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे कपड़े को सीधा करने के लिए यहां पे एक सीधा निशान लगाएंगे। हमने सीधा कर लिया। अब ये स्मॉल साइज की हम शलवार बना रहे हैं बगैर गली वाले, ठीक है। इसका घेर हम तकरीबन ये 20 इंच आ रहा है। अगर हम कपड़े को सिंगल करेंगे तो 40 इंच हो जाएगा, 40 इंच ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 40 इंच ये हो जाएगा, 40 इंच ये हो जाएगा, पूरा ऑलराउंड 80 इंच हो जाएगा हमारा घेर। तो स्मॉल साइज के लिए ये 80 इंच घेर बहुत है, ठीक है। और अगर जैसे कि साइज ज्यादा होता है, जैसे लार्ज होता है, एक्सल लार्ज होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कली डाल देते हैं। यहाँ पे कली वाली अलग शलवार होती है, जो हमारी यहाँ पे 5वें में कली आती है, ठीक है, ये अलग होती है। अगर हमें घेर बढ़ाना तो हम यहाँ पे कली डालते हैं। और जब भी आएगी शलवार मैं आपको काटना बता दूंगा उसके बारे में भी, जो लूज काटेंगे जब, ठीक
जैसे कि भारी साइज की काटेंगे तो स्मॉल में हमारे लिए 20 इंच का घेर बहुत है, ये देखें 20 इंच है, ठीक है। अब हम इसे 6 इंच हम ऊपर बेल्ट का निकलता हुआ रखेंगे, ठीक है, यहाँ से 6 इंच निकाल देंगे ऊपर, ठीक है, 6 इंच ऊपर निकाल लिया, 37 इंच हमारी लंबाई तैयार है, तो हम 37.5 इंच पे इसे निशान लगाएंगे, सिर्फ आधे इंच हमारा ऊपर दबाव में जाएगा, यहाँ का जो पाँचे का हिसाब है इस हम अलग रखेंगे, ठीक है। ये हमने 37.5 इंच पे इसे निशान लगा दिया, यहाँ से हम इसे तकरीबन 2.5 इंच का पाँचे का निशान लगा लेंगे, ठीक है, ये दोनों निशान हम सीधे कर लेंगे। अब इसमें हमें पांचा रखना 7.5 इंच, पांचा तो आप जितना भी रखें आपकी मर्जी, आप 6.5 भी रख सकते हैं, 6-7 भी रख सकते हैं, 7.5-8 जितना भी रखना चाहे, तो हम इसमें 7.5 इंच पांचा रख रहे हैं, ये मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। और इसका जो है ना आसन हम रखेंगे 6 इंच ऊपर निकाल के बेल्ट का, 16 इंच पे, ये हमने निशान लगा दिया 16 इंच पे। अब इस निशान को हम इस निशान से मिला लेंगे, बिल्कुल सीधा आना चाहिए हमारा निशान, अगर आपके पास स्केल बड़ा नहीं है तो आप इस तरह इंची टेप भी रख सकते हैं, इस तरह सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने निशान लगा लिया। अब यहां से हम इसे थोड़ा सा जो है ना इस तरह आड़ा निशान लगाएंगे, ये देखें इस तरह लगा लेते हैं थोड़ा सा आड़ा, इस तरह आड़ा इसलिए लगाया क्योंकि जब हम इसका पांचा बनाएंगे ना तो ये ऊपर चढ़ेगा, तो ये चीज हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए इस तरह शेप आ रहा है ना, तो इसी तरह ये बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे यहां से अपना दबाव छोड़ के, होने से 1 इंच आप दबाव छोड़ के कटिंग कर लें यहां से, ये देखें यहां से जब इस तरह मुड़ेगा तो यहां से बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका यहां पे भी निशान हम लगा लेते हैं, यहां पे ज्यादा दबाव नहीं लिया जाता, 1 बूट का दबाव लिया जाता है, ये दबाव बस, ठीक है। अब इसे हम हटा लेंगे, बेल्ट काट लेंगे। अब ये देखें अगर हम इसे सिंगल नापें तो हमें 8 इंच चौड़ा बेल्ट काटना अपना, तो तकरीबन 8 इंच देखें यहां पे आ रहा है हमारा। अब हम इसे यहाँ से नापते हैं, वन साइड हमारा 19 इंच बन रहा था बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है, और पूरा ऑलराउंड हमारा बन रहा था 38 इंच, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें हम 7 इंच की जो है ना लूजिंग डालेंगे, ताकि जैसे कि शलवार पहनने में भी मुश्किल ना हो, परेशान ना हो, फंसी ना, ठीक है, तो ईजिली पहनी जाएगा शलवार। तो इसे हम तकरीबन 45 इंच का बेल्ट काटेंगे इसका, इस कपड़े को हम इस तरह डबल कर लेंगे, ब्लैक कपड़ा शायद आपको सही दिख रहा ना हो लेकिन जब निशान लगेंगे तो आपको बेल्ट का पता चल जाएगा। यह 8 इंच आ रहा हमारा, ठीक है, यहां से हम सीधा निशान लगा लेते हैं इसे। आठ इंच के गैप से हम यहां पे सारे निशान लगा लेंगे।
बेल्ट की लंबाई देख लेंगे, ये देखें 45 इंच का हमारा ऑलराउंड अपना रखते हैं तो 22.5 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम आधा इंच इसका दबाव का रख लेंगे, ये हम अपना निशान ये लगा लेते हैं। ये हमारा निशान आ गया, ठीक है। अब इसकी कटिंग करेंगे बेल्ट की। ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई, ठीक है। ये हमारी बगैर कली वाली शलवार की कटिंग हो गई पूरी। जब हम इसे स्टिच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका घेर किस तरह हमें कवर करना है, बेल्ट के साथ किस तरह जो है ना जोड़ना है हमें। देखिए अब इसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप हमें बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका घेर को कवर करने का तरीका बताऊंगा कि हमें कहाँ पे कितनी चुन देनी होती है कि बेल्ट के साथ हमारा पूरा कवर हो जाए, ठीक है। पाँचे की हम अलग बताएंगे और जो ऊपर लास्टिक की हमारी जो है ना मेजरमेंट होती है उसकी मैं आपको अलग वीडियो बताऊंगा, ताकि आपको प्रॉपर जो है ना शलवार का तरीका समझ में आ जाए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।